क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसी डाइट है जिसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, ना ही ज़्यादा होते हैं ना ही ये कम होते हैं, ठीक है। और इसमें वाटर भी होता है और डाइटरी फाइबर भी आपका होता है, रेफर्स वगैरह, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलते हो? बैलेंस डाइट बोलते हैं। जो बैलेंस डाइट है उससे आपकी हेल्थ क्या होती है? अच्छी होती है, ठीक है। ये अलग अलग जो भी आप डाइट खाते हो वो अलग अलग पीपल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पीपल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काम कैसा करते हैं और उनकी एज क्या है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं अभी, उन्होंने और ग्रो करना है, विकास होना अभी उनका। जो पीपल फिजिकल वर्क करते हैं जैसे फार्मर, ठीक है, सारा दिन काम करते हैं, तो उनको भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती काम करने के लिए, ठीक है। ऐसे अगर आप फैट्स ज़्यादा खा लेते हो तो ओबेसिटी हो सकता है, मोटापा हो सकता है। नेक्स्ट, अवॉइड फूड वेस्ट। जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी भी आपको पता होगा कि हमारे देश में कितने लोग हैं जिसको दो वक्त की रोटी नहीं नसीब होती, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो भी हम फूड लेते हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, उसके वेस्टेज होने से बचाना चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हो? मैनेज योर पोर्शन। सबसे पहले कि जितना आपने खाना खाना सिर्फ उतना ही प्लेट में लो, कि मैनेज लेफ्ट ओवर्स। जो भी अगर आप कुक बनाते हो कोई चीज़ वो बच जाता है तो उसको उस बाहर फेंकने की बजाय कोई और उसे डिलीशियस आप मील्स बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्लान योर मील्स। हमने क्या खाना उसके अकॉर्डिंग आप पहले उसको प्लान करो और उसको उतनी ही अमाउंट बाहर से बाय करो, ठीक है। नेक्स्ट, उनके एक्सपायरी डेट, उसको ख़राब होने से पहले पहले आप क्या कर लो, यूज़ कर लो। स्टोरेज ऑप्शन क्या है कि आप उसे फ्रिज में रख सकते हो अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी आप स्पॉयलर्स ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड, जो आपका फूड बर्बाद होता है उसे आप कैसे, मतलब उसकी वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हो, उसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हो। सबसे पहले ड्राइंग, कि अगर हम जैसे पोटैटो चिप्स हैं, आप लाल मिर्च होती है उसे हम ड्राई करके सुखा के रख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके जो आपका फूड है वो ज़्यादा देर तक काम आएगा। फ्रीजिंग कर सकते हो, फ्रीज में भी आप फूड को रख सकते हो, ठीक है, कि क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे होता है, उसमें माइक्रोबस वगैरह जो बैक्टीरिया वगैरह वो कम ग्रो कर सकते हैं, तो आप फ्रीज में रख सकते हो। नेक्स्ट है आपकी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके रख सकते हो। जैसे मिल्क है, तो मिल्क से आपने कर्ड वगैरह बना लिया, दही वगैरह बना लिया। नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिंग करके जैसे अचार वगैरह आप बनाते हैं या फिर जैम्स, फ्रूट्स वगैरह, उसको कैनिंग करके बॉटल्स में बंद करके रख सकते हो, मुरब्बे वगैरह, ठीक है। पिकलिंग है, अचार वगैरह की जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, उनके ऊपर ऑयल लगा के, साल्ट लगा के।